नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। आज ग्रामर रूल्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो कोई से भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक और अदर आरआरबी वगैरह की, तो उसके लिए हम लोगों ने जो वीडियो का सिलसिला शुरू किया था उसको जारी रखते हैं। आज ये वीडियो पार्ट थर्ड वीडियो है जिसमें हम फिर से 10 नए ग्रामर के रूल कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है पहले के एक दो वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में ऑल ग्रामर रूल्स नाम से एक फोल्डर बनाया गया है, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए समय की बर्बादी नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं रूल नंबर 21 में। आज का 21st रूल जो है वो ये बोलता है, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर Either or none but the verb is used according to the nearest subject। ये याद रखिएगा, कल हमने किया था verb agreement का, तो उसी को continue कर रहे हैं आज। अगर ऐसे शब्दों से आप connect कर रहे हैं एक और एक से अधिक subject को, तो जो verb agree करेगा वो nearest subject से करेगा। nearest का मतलब second subject से agree करेगा verb। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो फाइंड द एरर में हो या फिल इन द ब्लैंक्स में हो। देखिए, नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वर प्रेजेंट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नीदर और नॉर से कनेक्ट किया गया है दो सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट वन है आपका असिस्टेंट मास्टर्स, सब्जेक्ट टू है आपका हेडमास्टर। अब आप देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट हेडमास्टर सिंगुलर है, तो जो वर्ब एग्री करना चाहिए वो इसके साथ यानी हेडमास्टर के साथ करना चाहिए। तो हेडमास्टर सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो कौन सा आपका वाज। तो आप वर्ब की जगह क्या लगाएंगे यहाँ पर? वाज। नीदर द असिस्टेंट मास्टर नॉर द हेडमास्टर वाज प्रेजेंट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आइए अब चलते हैं रूल नंबर 22 में। रूल नंबर 22 बोलता है, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और ऑब्लिक नॉर। या तो सब्जेक्ट्स को आपने और से या नॉर से जोड़ा है और वो डिफरेंट नंबर्स हैं, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो कैसा वर्ब लगेगा? प्लूरल लगेगा। And the plural subject must be placed next to the verb। और जो plural number होगा वो verb के next place पे होगा, मतलब verb के पास होगा, यानी कि उसे आप second subject की तरह treat करेंगे, ना कि first subject की तरह। देखिए example, Krishna or his sisters was there। अभी हमने पढ़ा कि or या not से जब आप subject को connect करते हैं, दो को ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट वन कृष्णा है और सब्जेक्ट टू सिस्टर्स हैं, तो प्लूरल आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर प्लूरल वाज का क्या होगा? वर्ब। और ये सेकंड सब्जेक्ट के बगल में होना चाहिए। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? जो प्लूरल है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। मोहन और सोहन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मोहन और सोहन बोल रहा है, अब दोनों सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका, मोहन और सोहन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 23। देखिए काफ़ी एग्जांपल देखे समझाए इसमें। मैनी अ ऑब्लिक ए एन, मतलब या तो वो मैनी अ आएगा या मैनी ए एन आएगा या मोर देन वन आएगा। ये हमेशा किस से फॉलो होगा? सिंगुलर नाउन से और सिंगुलर वर्ब से। तो आप नोट कर लीजिएगा, मैनी अ या मैनी एन या मोर देन वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। अब एग्जांपल देख के समझिए, मैनी अ मैन हैव कम टू पार्टी। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा, रूल पढ़ा कि मैनी अ के बाद
सिंगुलर नाउन आएगा। ये एम ई एन मैन तो प्लूरल होता है, तो ये एक यहाँ पर गलत है। दूसरा सिंगुलर वर्ब आएगा तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है दो पॉइंट पे, एक मैन यूज़ हुआ है, एक हैव यूज़ हुआ है, क्योंकि रूल बोलता है मैनी अ के बाद, मैनी एन के बाद या मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। मैनी अ मैन हैव कम टू द पार्टी, अब यहाँ पर सिंगुलर नाउन तो यूज़ कर लिया है, बट यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ हैव, तो ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब जब आपने इसे करेक्ट करना है तो ये हो जाएगा मैनी अ मैन हैज़ कम टू द पार्टी। देखिए, हो गया आपको एग्जांपल से क्लियर रूल। मोर देन वन गर्ल्स वर प्रेजेंट, यह अगेन इनकरेक्ट है, क्योंकि मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और गर्ल्स नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर गर्ल हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में, वर प्रेजेंट। ये फिर गलत है, क्योंकि मोर देन वन के बाद जो भी वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब जो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर होगा। अगर किसी को वर्ब का सिंगुलर प्लूरल का नहीं पता है, हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता है, ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं पता है, तो ऑल चैप्टर के अंतर्गत हमने प्लेलिस्ट पे ऑल चैप्टर बना के वर्ब की वीडियो बना के डाली हुई है, उसे जाके पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा मोर देन वन गर्ल वॉज प्रेजेंट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और इसलिए ये करेक्ट हो गया। और ये दोनों इसलिए गलत थे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब था और यहाँ पर प्लूरल वर्ब था और यहाँ पर प्लूरल वर्ब के साथ साथ प्लूरल नाउन भी था। अब देखिए, मैनी एन का एग्जांपल समझिए। मैनी एन एक्सीडेंट हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, मैनी एन एक्सीडेंट सही है, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि मैनी एन के बाद हमने आपको बताया था सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहाँ पर सिंगुलर नाउन आया है बट वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हैव आ रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। और यहाँ पे नाउन जो एक्सीडेंट्स है वो भी सिंगुलर होना चाहिए था, प्लूरल फॉर्म में लिखा है और वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो ये आएगा मैनी एन एक्सीडेंट हैज़ टेकन प्लेस। आइए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 24 में। व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद इट, जब वाक्य इट से शुरू होता है, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो कौन सा वर्ब लगेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। इट इज आई हु इज टू अटेंड द पार्टी, इनकरेक्ट है, इट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ एम लगेगा, इज नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, क्लियर है। अब देखिए, इट इज द एप्पल दैट आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इट लगा है तो हेल्पिंग वर्ब आपका आर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एप्पल सेब, एक सेब है, एप्पल की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। इट इज द एप्पल्स दैट आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, अगर आप यहाँ पे सिर्फ एप्पल यूज करेंगे, इट इज द एप्पल, तो आप वर्ब जो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। पर अगर यहीं पे आपने फिर एप्पल्स लिखा तो वो आर लगेगा, क्योंकि हमने बोला है जब भी कोई वाक्य इट से शुरू होता है तो वर्ब उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट एप्पल सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, इज, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, इसलिए ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा। आइए आगे देखते हैं रूल नंबर 25, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश। जनरली अ लार्ज नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, जब भी सेंटेंस में अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ आएगा तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट आप उसको प्लूरल वर्ब देंगे। द लार्ज नंबर ऑफ लिखा आएगा तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ, जहाँ पे अ आ रहा है वहाँ पर तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और जहाँ पे द लार्ज नंबर आ रहा है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये याद कर लेना।
याद करने का शॉर्टकट तरीका APTS बोल दीजिए इसे। जब A लिखा हो तो प्लूरल AP, और TS जब द लगा हो लार्ज नंबर के आगे तो सिंगुलर, APTS से याद हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी याद करने के लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा एरर फाइंडिंग में। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी अ लार्ज नंबर लगेगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होना चाहिए, अभी आपको बताया, देख लीजिए, तो वॉज की जगह वर आएगा। द नंबर ऑफ टूरिस्ट, जबकि ये भी प्लूरल है टूरिस्ट, हैव ग्रेजुअली फॉलन ऑफ, तो आप यहाँ पर हैव नहीं लगाएंगे क्योंकि द लार्ज नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो ये सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, हैज। दोस्तों पर इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है, कई ग्रामेरियन जो हैं अपने अपने व्यू देते हैं, पर आप कंपटीशन के हिसाब से जब आप तैयारी करेंगे तो इसी चीज़ को याद करके जाइएगा, ये आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 26 में। जब भी आप इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ये नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत सिंपल रूल है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड नहीं होगा, यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड करेक्ट होगा। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, क्योंकि आपने इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स टाइम यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड है। जिसको वर्ब का फॉर्म नहीं पता है, रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ऑल चैप्टर के अंदर एक वीडियो है जो वर्ब के नाम से बनाया गया है, उस पर सारा डिटेल दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, उसे देख लीजिएगा, तो रूल याद करना और प्रैक्टिस सेशन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आइए रूल नंबर 27। व्हेन अ सब्जेक्ट बिकम अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, मतलब जो एक्शन हो रहा है वो वापस सब्जेक्ट पे आ रहा है, फॉलोइंग वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उस केसेस में वर्ब में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। ये वर्ड्स हैं एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकॉन्साइल, अम्यूज, रिजाइन, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड एक्सेट्रा। अब जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं पता, प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, ऑल चैप्टर के अंदर प्रोनाउन के दो पार्ट में वीडियो बना के डाला हुआ है, उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये रूल समझने में और आसानी हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, आई प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। अब यहाँ पे जो एक्शन है टू वर्क अंडर प्रेशर, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ही कर रहा है, ठीक है। जब सब्जेक्ट के ऊपर ही रिसीवर एक्शन आ रहा है तो वो रूल बोलता है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू माई सेल्फ, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। वी अडप्ट टू द इन्वायरमेंट, किसके ऊपर आ रहा है एक्शन, रिसीवर के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, रिसीवर कौन हुआ, सब्जेक्ट ही हुआ, वी अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या था, वी, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो लगेगा अडेप्ट के बाद आवर सेल्फ लगेगा, तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 27 भी बहुत ईजी था, अब आइए आगे देखते हैं रूल नंबर 28। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब When the collection is thought of as a whole, जब collection को एक रूप में देखा जाता है, single unit के रूप में समझ लीजिए, तो वो हमेशा क्या लेगा, singular verb. But वही collective noun अगर उसे divide करके, तोड़ के, विभाजित करके दर्शा रहा हो उस चीज़ को, तो क्या लगेगा, plural verb. कल समझाया था कि jury, जो जजों का एक समूह होता है, न्यायाधीश का न्यायपीठ होता है, अगर वो एक डिसीजन ले रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लग रहा था, पर अगर वही ज्यूरी डिवाइड हो जाता है अपने डिसीजन में,
चार बोलते हैं नहीं ये सही है, दो बोलते हैं ये गलत है, तीन उसमें से चार फिर बोल देते हैं कि नहीं ये सही है, तो ये 10 होता है। ठीक है, तो जब वैसा डिवीज़न हो गया, ओपिनियन का डिवीज़न हो गया, तो वहाँ पर उसको आप कलेक्टिव नाउन को प्लूरल वर्ब से संबोधित करेंगे। द काउंसिल हैज़ चूजन द प्रेसिडेंट। काउंसिल ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है, जो काउंसिल होता है उसमें कई लोग मिलके बनती है। अब उन्होंने एक मत होके प्रेसिडेंट का चुनाव कर लिया या चूज कर लिया, तो एक मत हो गए, एकता की बोध हो रही है इस सेंटेंस से, तो यहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। ऑडियंस जो दर्शक आए थे उन्होंने सब ने अपनी कुर्सियाँ ले ली हैं, सीट ले लिया है, यानी बैठ गए हैं, तो अब यहाँ पे सब बैठ गए हैं तो सबके लिए अलग अलग कुर्सियाँ होंगी, कंसीडर सेपरेटली है, तो यहाँ पर आप कलेक्टिव नाउन ऑडियंस के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। क्लियर है? आइए रूल नंबर 29 देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्री इन अ नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। मतलब बोल रहा है जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिस वर्ब का कोई वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो आपको इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसका वर्ब किससे एग्री कराएंगे, उसके नंबर और पर्सन से, किसके रिलेटिव प्रोनाउन से आगे के। आई हु इज़ योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। इनकरेक्ट। आई हु एम योर फ्रेंड, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है हु, तो उससे आगे क्या है आई, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है किससे एग्री कर रहा है आई से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होगा उससे आगे वाला जो प्रोनाउन या सब्जेक्ट होगा उससे एग्री करेगा हेल्पिंग वर्ब, ये बोलना चाह रहा है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है उससे पहले वाला, आप ऐसे समझ लीजिए, प्रेसिडेंट एंटीसीडेंट ये सब याद कर लीजिएगा। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रॉब्लम है समझने में तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक बार और उस वीडियो को एक्सप्लेन कर दूंगा लाइव आकर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आप इस चीज़ को, नोट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा अपना नोट्स भी खुद का। रूल नंबर 30, द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अभी देखिए इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। नॉर्मली पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है, बट कई ऐसे सेंटेंस जो आजकल नॉर्मली 21वीं शताब्दी में नहीं चल रहे हैं, ये बोलचाल में 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी में था, उस केसेस में क्या होता था, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आ जाता था। ठीक है, जैसे मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। तो इन्वर्टेड में क्या हो जाता है, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का कहने का मतलब है पहले वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है। नॉर्मल में क्या होता था, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो आइए इन्वर्टेड मैंने समझा दिया, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब उसका रूल याद कर लीजिए। द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन द फॉलोइंग केसेज व्हेन द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ लगेगा, जब सेंटेंस को इंट्रोड्यूस किससे किया है, एडवर्ब से। हार्डली हैड आई रीच्ड, यहाँ पे आई क्या है आपका सब्जेक्ट, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये देख लीजिएगा। मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन अ लाइफ, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। व्हेन द वर्ब इज मीन टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, या कोई उसमें इच्छा जता रहा हो या दुआ मांग रहा हो या प्रार्थना कर रहा हो, तो उस केस में भी वर्ब जो होगा वो इन्वर्टेड फॉर्म में यूज होगा। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब पहले वर्ब आएगा फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। तो दोस्तों ये थे रूल 30 जो आज हमने कंप्लीट किए।
तीसरे पार्ट में। अब आगे भी मैं आपको टोटल 100 रूल्स लिखाऊंगा। चाहूँ तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ काफ़ी लंबा, बट इससे आपको तकलीफ़ होगी, 100 रूल एकदम से याद नहीं कर पाएंगे। आपकी सहूलियत के लिए टुकड़ों में बना के दे रहा हूँ। रूल 30 तक हो चुका है, आगे 70 रूल और बचे हैं। हो सकता है मैं उसे 5 या 6 वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। आप प्लीज़ इसे टाइम टू टाइम याद करते रहिएगा। आपने दिन में सिर्फ 10 रूल पढ़ने हैं और उसको रिविज़न में लाना है। आपका SSC का, CGL का, CHSL का, बैंकिंग का, बैंक PO का, कोई भी एग्ज़ाम हो, CDSC, NDA, सारे एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण है। आपका ये जो वीडियो है रामबाण है, इसे देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो बहुत सिंपल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। देखिए, कई लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है, तो जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा। और ये समझ लीजिए प्लीज़ कि हर वीडियो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। प्लीज़ डोंट मिस इवन अ सिंगल वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूल के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।